हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के गुणनखंड करना सीखेंगे, यानी फैक्टराइज करना सीखेंगे। सपोज आवर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है, एक्स का कोफिशियंट प्लस फाइव है, और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म प्लस सिक्स है। प्लस सिक्स को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा, सिक्स वन जा सिक्स। अब सिक्स का हम ब्रेकअप करेंगे, सिक्स का फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो टू से डिविजिबल होगा थ्री टाइम में, थ्री, यानी इसके दो फैक्टर मिला, टू और थ्री। और टू इंटू थ्री सिक्स, और टू प्लस थ्री फाइव। ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर यहाँ प्लस रहे तो इस फैक्टर इन ग्रुप को ऐड करने पे आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस रहे तो इस ग्रुप का सबट्रैक्शन यहाँ आना चाहिए। देन वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर, फाइव कैन बी रिटेन टू प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स। देन आफ्टर यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स। नाउ यू ऑब्जर्व फोर टर्म्स आर, तो इन फर्स्ट टू टर्म एक्स इज कॉमन, एक्स बाहर निकाल लेंगे, यहाँ टू एक्स से एक्स जब बाहर निकालेंगे टू बचेगा। हियर एक्स इज बींग आउट, देन टू विल बी लेफ्ट, इन लास्ट टू प्लस थ्री इज कॉमन, यू विल राइट प्लस थ्री न्यू ब्रैकेट एक्स, हियर आई एम राइटिंग जस्ट बिलो इट सी प्लस, इफ यू आर टेकिंग थ्री एज कॉमन एक्स प्लस टू विल बी लेफ्ट। Then x plus 2 is common in both, take out. Then x, this x and this plus 3 will be written here. It means we have two factor of the given quadratic polynomial and these two factors are linear polynomial. So whenever you are going to multiply two linear polynomials, you will get a quadratic polynomial. Factors means you have to divide it in two parts, or for quadratic two parts, such that their product should be the given polynomial. I hope all of you are able to get it and you can try. Thank you.